आज हम लोग एस ब्लॉक में बेरिलियम के बारे में पढ़ेंगे और साथ में ये भी पढ़ेंगे कि कुछ इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल जो कैल्शियम के होते हैं और जो हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेरिलियम से स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बेरिलियम अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स को फॉलो नहीं करता, वो अलग चलता है और उसका प्रॉपर्टी जो होता है एक्चुअल में मैच करता है किससे, आपका एल्यूमिनियम से। बेरिलियम का प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम से मैच करता है, जैसे कि एल्यूमिनियम आपको पता होगा एम्फोटेरिक होता है, वैसे बेरिलियम के ऑक्साइड से हाइड्रोक्साइड्स भी क्या होता है, एम्फोटेरिक होते हैं। बेरिलियम के प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम से काफी ज्यादा मैच करते हैं ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप। तो देखो क्या होता है, आपका जो बेरिलियम है वो आपका डिफरेंट होता है मैग्नीशियम से या फिर बाकी मेंबर से, ठीक है, और इसका डायगोनल रिलेशनशिप होता है एल्यूमिनियम के साथ। तो देखो ये है क्या, ड्यू टू एक्सेप्शनली स्मॉल साइज, और आपको पता ही होगा कि साइज जब स्मॉल होता है तो वहां पे कोवेलेंट करेक्टर हाई होता है आपके पास, ठीक है, तो बिकॉज हाई आयनेशन एंथैल्पी वही लार्ज कोवेलेंट करेक्टर, ठीक है। ये बाकी एलिमेंट्स के अंदर आयनिक करेक्टर काफी हाई होता है। बेरिलियम डज नॉट एग्जिबिट कोऑर्डिनेशन नंबर मोर देन 4, वो चार से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। देखो बेरिलियम एक सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है, सेकेंड पीरियड में क्या होता है, सिर्फ एस एंड पी, तो 4 ऑर्बिटल्स ही होते हैं, तो वो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर सकते। याद रखना कि बेरिलियम एक सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है, उसमें मैक्सिमम 4, मतलब वो मैक्सिमम 4 बॉन्ड ही बना सकता, अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर सकता, जबकि नीचे के जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें डी ऑर्बिटल्स भी होता है, तो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है, ओनली 4 ऑर्बिटल्स, और बाकी सबके मेंबर में क्या होता है कि डी ऑर्बिटल्स भी होते हैं। ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ बेरिलियम क्या होता है, ध्यान रखना एम्फोटेरिक होता है लाइक एल्यूमिनियम। अब देखो इसमें हम लोग साइज के बारे में आते हैं। बेरिलियम का साइज आपका एल्यूमिनियम से काफी सिमिलर होता है और इसका Be+2 का जो साइज है वो 31 पिकोमीटर है, और जबकि Al+3 का साइज नियरली सेम होता है, ये नियरली, लेकिन आपके पास ये 43 पिकोमीटर के आसपास होता है। वैल्यू याद नहीं करना। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, जो एक्सेप्शन जो था जो बहुत इंपॉर्टेंट था वो एक्चुअल में ये था कि Li+ का साइज Mg2+ से बड़ा होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, बट Be+2 का साइज Al+3 से छोटा होता है, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है, यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है। और लिथियम का प्लस का साइज Mg2+ से बड़ा होता है, ये बात ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का साइज बड़ा होता है, बेरिलियम छोटा होता है, साइज याद करने की जरूरत नहीं, बस ये वैल्यू आपके नॉलेज के लिए बस बता दिए, वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है एक्चुअल में, ठीक है, याद रखना बेरिलियम का साइज Be+2 का साइज Al+3 से छोटा होता है। तो ये क्या होता है, दोनों एम्फोटेरिक होते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिक नहीं होता है, तो नॉट अटैक बाय एसिड, क्योंकि इनके लेयर पे क्या होता है, इन पे एक ऑक्साइड फिल्म बन जाता है, मतलब बेरिलियम में अगर आपको एसिड रखते हो तो बेरिलियम क्या होता है, एक लेयर फॉर्म कर लेता है, वो लेयर क्या होता है कि बेरिलियम को क्या होता है, मतलब प्रोटेक्ट करता है। इवन ये एल्युमिनियम के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, जो हम लोग आगे चल के पी ब्लॉक में देखेंगे। अगर आप एल्युमिनियम मेटल में जैसे कोई एसिड को रखते हैं, सपोज को नाइट्रिक एसिड, तो नाइट्रिक एसिड का एल्युमिनियम से रिएक्शन हो जाता है, फिर एल्युमिनियम ऑक्साइड का एक लेयर बन जाता है मेटल के ऊपर, और वो लेयर क्या होता है, अंदर के मेटल को बचा लेता है। तो इसी वजह से हम लोग नाइट्रिक एसिड हम लोग कई बार एल्युमिनियम में स्टोर करते हैं, ठीक है, वो लेयर जैसे नहीं होता, जैसे आपने मेटल पे पेंट कर दिया वैसे टाइप का, तो एक ऑक्साइड फिल्म बन जाता है जो बेरिलियम को क्या होता है, बचा लेता है। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, आपके पास बेरिलियम हाइड्रोक्साइड क्योंकि वो एम्फोटेरिक है, तो एसिड के साथ भी रिएक्शन करता है, बेस के साथ भी, तो एक्सेस ऑफ एल्केली में डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो एम्फोटेरिक है तो बेस में भी डिजोल्व हो जाएगा। अब देखो इसमें है क्या आगे, क्लोराइड्स ऑफ बोथ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम हैव Cl- ब्रिज स्ट्रक्चर इन वेपर फेज, ठीक है। देखो ऐसा होता है कि डाइमर बनाते हैं, तो जैसे एल्यूमिनियम को आप देख लो, तो दो Al-Cl3 क्या होता है, इस तरीके से इससे डाइमर और इस तरीके से इससे डाइमर फॉर्म करता है, ठीक है।
और आपके पास ये सब क्या होता है, आपके पास एक अच्छे लुईस एसिड, लुईस एसिड में जो इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट होते हैं, हम लोग उसका यूज करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लाइक फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन में। आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने इसका यूज किया था, ठीक है। बेरिलियम और एल्युमिनियम क्या होता है, स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने का, और ये ऐसे कुछ मॉलिक्यूल बनाते हैं जैसे BeF4-2- AlF6-3-। एल्युमिनियम थर्ड पीरियड का है तो अपने वो ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है, बट बेरिलियम अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर सकता, ठीक है। अब हम लोग कैल्शियम के कुछ इंपोर्टेंट मॉलिक्यूल देखते हैं जो हमारे लाइफ में काफी ज्यादा रोल प्ले करते हैं। तो लाइक कैल्शियम हम लोग देखेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड्स को देखेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स को देखेंगे, फिर कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड सीमेंट, ठीक है। सीमेंट वही जो बिल्डिंग बनाने के लिए यूज होता है, बिल्डिंग्स को, ब्रिज को, डैम को, वही सीमेंट। तो कैल्शियम ऑक्साइड इसको बोलते हैं क्विक लाइम, क्विक लाइम CaO, ठीक है, प्रिपेयर्ड बाय कमर्शियल स्केल। अगर आप CaCO3 को हीट करोगे तो CaO+CO2 बनते हैं। ये तो सबको पता है, ये तो मतलब बच्चों वाला रिएक्शन, ये तो सबको पता होता ही है, इसमें कुछ ऐसा नहीं जो आपको ना पता हो, ठीक है, सिंपल है। आप इसको जब हीट करोगे तो CO2 गैस क्या होता है, उड़ जाता है, ठीक है। CO2 गैस ओपन कंटेनर में लेते हैं उड़ जाता है, ठीक है। रिमूव मतलब ओपन में देखो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर दो, CO2 उड़ जाएगा बस। इज रिमूव एज सून एज इट इज प्रोड्यूस्ड, इनेबल द रिएक्शन टू कंप्लीट। देखो रिएक्शन बैकवर्ड तब आएगा जब CO2 ओपन कंटेनर में लोगों CO2 उड़ जाएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाता जाएगा। ये कैल्शियम ऑक्साइड इज व्हाइट एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है, व्हाइट एमॉर्फस सॉलिड होता है ये। एमॉर्फस पता होगा जिसका स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता। इट हैज अ मेल्टिंग पॉइंट 2870, very high melting point. On exposure to atmosphere, it absorb moisture and carbon dioxide. अगर आप CaO को एयर में रखोगे तो वो CO2 या फिर वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वही देखो, अगर CaO के कॉन्टेक्ट में CO2 आएगा तो दोबारा CaCO3 फॉर्म कर सकता है, ठीक है। या फिर अगर वो वाटर से मिलेगा तो वो CaO2। अरे ये क्विक लाइम था एक्चुअली, दिस वॉज क्विक लाइम, और पानी में मिला मिलने के बना देता है सिलेक्ट लाइम। हमने और अगला टॉपिक वही होगा वैसे, ये सिलेक्ट लाइम बन जाता है, ठीक है, क्विक लाइम, सिलेक्ट लाइम। अगर आप उसका ऑक्साइड को वाटर में डाल दोगे तब भी फॉर्म हो जाता है, ठीक है। अब देखो है कि एडिशन ऑफ लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर ब्रेक द लम्स ऑफ लाइम, मतलब लाइम ब्रेक हो जाता है, दिस प्रोसेस इज स्लेकिंग ऑफ लाइम, ठीक है। अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डाल दोगे तो मतलब कि वो वही सिलेक्ट लाइम फॉर्म हो जाता है, क्योंकि लाइम सिलेक्ट विद सोडा गिव सोडा लाइम। अरे सोडा लाइम एक्चुअल में, मतलब सोडा लाइम एक्चुअल में वो होता है NaOH और CaO, मतलब एक्चुअल में क्विक लाइम सिलेक्ट विद, मतलब क्विक लाइम मतलब कि CaO को अगर आप सोडा वही NaOH के साथ मिला देते हो तो सोडा लाइम बन जाता है। बींग अ बेसिक ऑक्साइड इट कंबाइन विद एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है। जो भी एसिडिक ऑक्साइड है जैसे SiO2 के साथ मिल जाएगा तो बनता है CaSiO3, इसको स्लैग बोलते हैं, ये मॉलिक्यूल बन जाएगा। या फिर CaO+P4O10 के साथ मिलाओगे तो बनेगा Ca3PO4 आपके पास ट्वाइस। तो ये रिएक्शंस आप याद कर सकते हो, और बाकी मैंने जैसा बोला था कि मैं हीटिंग इफेक्ट पर अलग से लेक्चर बनाऊंगा, ऑलरेडी एक्चुअल में वो मैंने एक लेक्चर बना भी दिया है जो आपका होगा जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके। ऐसे बेसिक ऑक्साइड और एसिडिक ऑक्साइड्स के बीच के रिएक्शंस में भी मैं एक लेक्चर बनाऊंगा, मतलब जितने भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के है रिएक्शंस ऐसे S ब्लॉक, P ब्लॉक, D एंड F ब्लॉक, तो इसको मैं एक जगह लिख दूंगा तो इससे आपको याद करने में काफी इजी फील होगा, ठीक है। ये बाकी आप ये रिएक्शन देख सकते हो, ये बेसिक होता है और सिलिका का एसिडिक होगा तो स्लैग बनता है, या फिर इसको आप समझो जैसे आप देखो फॉस्फोरस का स्टेट है +5 तो इसको फॉस्फोरिक एसिड समझना, और आप इसको फॉस्फोरिक एसिड समझ के करोगे तो आपका देखो ये बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से रिएक्शन हो जाता है। तो ये बेसिक ऑक्साइड है तो एसिडिक ऑक्साइड के साथ ही रिएक्शन करता है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो ये है कि ये एक इम्पोर्टेंट प्राइमरी मटेरियल है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, ये सीमेंट बनाने के यूज होता है, और चीपेस्ट फॉर्म ऑफ एल्केली, ये बहुत मिलता है एक्चुअल में। कैल्शियम क्या होता है अर्थ में काफी ज्यादा, काफी लार्ज अमाउंट में मिलता है। यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट फ्रॉम कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा से हम लोग इसको सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर, अरे व्हाइट शुगर आता है ना घर में सफेद एकदम व्हाइट शुगर, तो उसके लिए इसका यूज होता है, ठीक है, एंड डाई बनाने के लिए भी इसका यूज होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिलेक्ट लाइम, दैट इज CaO2, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग वाटर तो क्विक लाइम, मतलब ये कैसे बनता है, अगर वाटर को ऐड करते क्विक लाइम, मतलब क्विक लाइम में अगर पानी मिला दोगे तो सिलेक्ट लाइम बन जाता है।
वही है, आपका व्हाइट अमॉर्फस पाउडर होता है और आपके पास स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, वाटर में थोड़ा बहुत सॉल्युबल हो जाता है, मतलब पानी में डिजॉल्व। एक्वा सॉल्यूशन इज नोन एज लाइम वाटर, और लाइम वाटर ये होता है, मतलब अगर आप सिलेक्ट लाइम को, मतलब सीएओएस ट्वाइस को अगर पानी में मिला होगा तो लाइम वाटर कहलाएगा। सस्पेंशन ऑफ सिलेक्ट लाइम इन वाटर, ठीक है, नोन एज मिल्क ऑफ लाइम, इसको मिल्क ऑफ लाइम भी बोलते हैं। मतलब कि अगर आप सिलेक्ट लाइम, मतलब सिलेक्ट लाइम क्या है, सीएओएस ट्वाइस को अगर आप पानी में मिलाते हो तो इसको मिल्क ऑफ लाइम बोलते हैं, मिल्क ऑफ लाइम, ठीक है। ये व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। क्या बोल रहा है कि व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इस पास थ्रू लाइम वाटर, ठीक है, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग जब लाइम वाटर से पास करते हैं तो मिल्कीनेस अपीयर होता है। आपको पता ही होगा कि जब भी हम लोग क्या करते हैं कि आपके पास वही कार्बन डाइऑक्साइड को सीओ टू को, मतलब जब भी हम लोग सीओ टू को इसमें पास करते हैं किसमें, लाइम में, ठीक है, सिलेक्ट लाइम में, तो मिल्कीनेस अपीयर होता है, ठीक है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, व्हाइट होता है, तो उसकी वजह से आपको मिल्कीनेस अपीयर होगा। ये बात याद रखना कि जब भी सीओ टू गैस को लाइम वाटर, मतलब वही मिल्क ऑफ लाइम में, लाइम वाटर मिल्क ऑफ लाइम, मतलब सिलेक्ट लाइम में पास करते हैं तो मिल्कीनेस अपीयर होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सीओ3, ठीक है। ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिप्रेसिपिटेट डिजोल्व टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोजन। अब मतलब अगर आप ये कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप, मतलब वही ज्यादा इसमें, जैसे मतलब होता है एक्चुअल में क्या है कि देखो, लाइम वाटर में जब आप सीओ टू को पास करते हो तो आपके पास बनता है सीओ3, मतलब मिल्कीनेस अपीयर होता है। अगर आप एक्सेस अमाउंट में, अगर आप एक्सेस अमाउंट में सीओ टू को पास करोगे तो मिल्कीनेस डिसअपीयर होता है। मतलब अगर आपने सीओ टू एक्सेस में डाला तो कैल्शियम आपके पास बाइकार्बोनेट बनेगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और जो मिल्कीनेस होगा डिसअपीयर होगा, क्योंकि इसका कलर नहीं होता, मतलब समझो। अगर आप लाइम वाटर में सीओ टू पास करते हो तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, लाइम अपीयर होता है। अगर आप सीओ टू एक्सेस में डाल दोगे तो सीओ टू और वाटर के साथ वो बाइकार्बोनेट बना देता है, मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाता है। याद रखना कि मिल्कीनेस डिसअपियर होता है क्योंकि कैल्शियम, मतलब बाइकार्बोनेट वाटर में सॉल्युबल होता है, ठीक है, मिल्क ऑफ, ठीक है, ये मिल्कीनेस डिसअपियर होता है, ध्यान रखना। ये अगर बोलता है कभी मिल्कीनेस अपियर हुआ फिर डिसअपियर मीन्स वो। और देखो होता क्या है कि लाइम में ऐसा नहीं कि सिर्फ सीओ टू गैस को पास करने से मिल्कीनेस अपीयर होता है, इवन अगर आप एसओ टू गैस, एक्चुअल में लाइम क्या होता है, बेसिक होता है, एसओ टू क्या है, एक एसिडिक ऑक्साइड, अगर आप उसको पास करोगे तभी मिल्कीनेस क्या होगा आपके पास अपीयर होगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो मिल्क ऑफ लाइम क्या होता है, जब आप मिल्क ऑफ लाइम को जब आप रिएक्ट करते हो एक्चुअल में, मिल्क ऑफ लाइम रिएक्ट विद क्लोरिन तो टू फॉर्म हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड बनता है, मतलब पार्ट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर इसका बनाने में यूज होता है, इवन जो स्विमिंग पूल होता है इसमें इसका यूज होता है। आपको शायद पता होगा स्विमिंग पूल में हम लोग क्लोरिन गैस का यूज करते हैं, तो देखो होता क्या है, स्विमिंग पूल में ये ब्लीचिंग पाउडर यही आपका यूज होता है। स्विमिंग पूल, अरे होता है ना, आपका वायरस या फिर बैक्टीरिया को मारने के लिए हम लोग स्विमिंग पूल में क्लोरिन गैस का यूज करते हैं। तो क्या होता है, अगर आप लाइम में, अगर आप क्लोरिन गैस को यूज करते हो, लाइम का रिएक्शन, अगर आप लाइम का रिएक्शन में सिलेक्ट लाइम का रिएक्शन अगर क्लोरिन गैस के साथ करते हो तो बनता है CaCl2 + CaOCl2। एक्चुअल में इस पूरे को मिला के बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। एक्चुअल में है क्या कि देखो, CaCl2 में इसका स्टेट होता है -1 और CaOCl2 में इसका स्टेट है +1। तो क्लोरीन क्योंकि +1 में है तो -1 में जाता जाना चाहता है, इसलिए इसका ब्लीचिंग एक्शन होता है, क्लीन करने के लिए इसका यूज होता है, ठीक है। ये तो ये दोनों को मिला के हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं एक्चुअल में आपके पास, ये ठीक है, यूसेज, ठीक है, देखते हैं इसका यूज क्या होगा। इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मॉर्टर, मॉर्टर मतलब वही आपका मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल बनाने के लिए। व्हाइट वॉश ड्यू टू डिसइंफेक्टेंट इन नेचर, वही आपको जैसे मैंने बताया कि कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए स्विमिंग पूल में स्पेशली इसका यूज होता है, ग्लास बनाने के लिए इसका यूज होता है, ठीक है, और टैनिंग इंडस्ट्री में, टैनिंग मतलब कि आपका स्पेशली लेदर इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। टैनिंग एक्चुअली, टैनिंग का मतलब होता है हार्ड करने के लिए, तो लेदर जो होते हैं उनको हार्ड करने के लिए टैनिंग करते हैं, मतलब लेदर मतलब वो हार्ड लेदर होता है ना, तो उसको हार्ड, मतलब टैनिंग में हार्डनेस, हार्ड करने के लिए फॉर प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इसका यूज करते हैं, ठीक है। आगे करते हैं हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट। तो
कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, ये काफी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर में, जैसे लाइमस्टोन के फॉर्म में, चौक चौक भी पता है सीएससीओ3 से बनते हैं, इवन मार्बल भी इसी से बनता है, लाइमस्टोन के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड विद सिलेक्ट लाइम ये बन जाता है, मतलब अगर आप लाइम में CO2 गैस को पास करते हो तो सीएससीओ3 बनता है, वाटर रिलीज हो जाता है, ठीक है, ये आपके पास फॉर्म हो जाता है। या फिर अगर आप CaCl2 के रिएक्शन Na2CO3 के साथ करोगे तो बनेगा CaCO3+2NaCl बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका होता है बनाने का, मतलब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो, फिर कैल्शियम क्लोराइड भी ले सकते हो, ठीक है। तो देखो होता क्या, इसमें एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड शुड बी अवॉइडेड सिंस दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ वाटर सॉल्युबल, आपको मैंने जैसा भी ऊपर बताया। अगर ज्यादा CO2 ले लोगे तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा, तो CO2 का अमाउंट लिमिटेड लिया जाता है, ये बात को। अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट बनाना चाहते हो, मतलब देखो जैसा ऊपर लिखा हुआ, ये अगर आप चाहते हो सिर्फ ये बने, तो CO2 मस्ट बी टेकन इन लिमिटेड अमाउंट, इन एक्सेस बाइकार्बोनेट फॉर्म हो जाता है, इस बात का ध्यान रखना। तो कैल्शियम कार्बोनेट एक पफी पाउडर होता है, मतलब आपका बहुत हार्ड प्लास्टिक, मतलब पाउडर नहीं, सॉफ्टनेस पाउडर होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, और अगर आप इसको हीट करते हो 1200 डिग्री पे तो डिकम्पोज कर जाता है, पता ही होता है CaO+CO2 गैस में, ठीक है। अब देखो है क्या कि इट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू लिबरेट CO2 गैस। अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट के रिएक्शन अगर आप SL के साथ करते हो तो फिर क्या होता है, CaCl2 बन जाता है प्लस H2O और प्लस CO2 रिलीज हो जाता है, ठीक है। अगर आप CaCO3 के रिएक्शन H2SO4 के साथ करते हो तो CaSO4 बनता है प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है, ये मॉलिक्यूल बनता है। मतलब CaCO3 के रिएक्शन अगर आप H2SO4 के साथ करोगे, भाई ये एसिड बेस रिएक्शन समझ लो, कि आपको याद होगा मैंने ये एनिक में बताया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, खुद जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड SCl है तो खुद का सॉल्ट बनाएगा वीक एसिड, मतलब वीक है H2CO3 इसको बाहर कर देगा, तो स्ट्रॉन्ग एसिड ये समझ लो खुद का सॉल्ट बनाएगा वीक एसिड बाहर, स्ट्रॉन्ग एसिड खुद का सॉल्ट बनाएगा CSO4 और वीक एसिड बाहर कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन हो जाता है। बाकी ये जो यूज होता है, ये पता होता है मार्बल के फॉर्म यूज होता है, तो ये हमारे घर में यूज होता है। कैल्शियम कार्बोनेट अलॉन्ग विथ मैग्नीशियम कार्बोनेट इज यूज एज अ फ्लक्स, ठीक है, और इसका हम लोग आयरन को एक्सट्रैक्शन में यूज करते हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में मेटलर्जी चैप्टर में करेंगे ये। तो अब आपके पास क्या होता है, आपका कैल्शियम कार्बोनेट हम लोग यूज करते हैं आपका हाई क्वालिटी पेपर को बनाने के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है। ये एंटासिड होता है, एंटासिड पता होता है ना, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब पेट में जलन होता है तो हम लोग पीते ना, इनो पीते, डाइजिन खाते हैं, तो वो वही एंटासिड। तो जब भी हमारे पेट में जलन होता है, एसिडिटी होती है, तो इसका यूज करते हैं, ठीक है। इसका टूथपेस्ट में भी यूज करते हैं, च्यूइंग गम में भी यूज करते हैं, और कॉस्मेटिक में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। ये अब हमारा एक आगे टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अरे प्लास्टर ऑफ पेरिस तो आजकल सुने ही होगा, आजकल सबके घर में ही होता है, फॉल सीलिंग करवा रहे भाई, प्लास्टर POP प्लास्टर ऑफ पेरिस भाई। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 पर हाफ H2, ठीक है, दिस इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये क्या आपका हेमी हाइड्रेटेड होता है, हेमी मतलब की आधा, ठीक है, हेमी, ठीक है। तो होता कैसा, जिप्सम, एक्चुअली नेचर में जो मिलता है जिप्सम मिलता है, नेचर में जिप्सम मिलता है, दिस इज जिप्सम। जिप्सम को अगर आप हीट करते हो, मतलब हीट करते कितने पे, 393 केल्विन पे, तो आपके पास बन जाता है ये जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस POP। मतलब कि जिप्सम क्या है, देखो जिप्सम होता है CaSO4.2H2, ठीक है। अगर आप उसको हीट करोगे तो बन जाएगा CaSO4.5H2, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। इसमें पानी कम होता है तो स्पेशली इसको वाटर में मिला के हम लोग इसका यूज करते घर में, ठीक है। देखो नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज लेफ्ट। अगर आप इसके देखो टेम्परेचर अगर आप इससे ऊपर लेके गए, देखो ये तो 393 बनता है, अगर आप इसके ऊपर लेके गए तो वो जो हाफ वाटर तो वो भी उड़ जाएगा और क्या बन जाएगा, CaSO4 बन जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं CaSO4 को बोलते हैं डेड बर्न प्लास्टर, डेड बर्न मतलब कि पानी उड़ा दिया, बर्न कर दिया, उड़ा दिया, तो डेड बर्न, तो बोलते डेड बर्न प्लास्टर, ठीक, याद रखना ये।
और यही आपको मार्केट में मिलता है। इसको हम लोग पानी में डिसॉल्व करके देखो होता है रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग विथ वाटर। इसको थोड़ा सा पानी में मिला के हम लोग उसको घर पे चिपका देते हैं, जो 5 से 15 जो 5 to 15 मिनट में हार्ड हो जाता है। होता है ना जैसे प्लास्टर पेरिस कैसे होता है, अगर आप कभी घर में देखोगे तो बाहर से पाउडर लाता है, पाउडर वही होता है डेड बर्न प्लास्टर। उसको पानी में मिलाया जाता है फिर उसको दीवार में लगा देते हैं तो 5 to 15 मिनट में हार्ड हो जाता है। और ये हार्ड होता है अगर आप इसको पानी मिला दोगे फिर से दोबारा ये टूट जाएगा, ठीक है। तो ये बात को ध्यान रखना है। तो होता क्या है, लार्जेस्ट यूज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज इन बिल्डिंग इंडस्ट्री एज वेल एज प्लास्टर में यूज होता है, यूज्ड एज इमोबिलाइजिंग द इफेक्ट ऑफ ऑर्गन। जैसे बोन फ्रैक्चर और हड्डी टूट जाते हैं ना, प्लास्टर बोलते हैं, प्लास्टर बांध दो, वो वही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। ये तो ये आपको स्टैचूज बनाने के लिए भी यूज होता है। अब हम लोग करते हैं सीमेंट। तो देखो सीमेंट का मॉडर्न मतलब मॉडर्न टाइम पे तो बहुत ज्यादा यूज होता है। आजकल तो कोई भी बिल्डिंग बिना सीमेंट को तो प्रिपेयर हो ही नहीं सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल। इसको फर्स्ट टाइम इंग्लैंड में बनाया था किसने, जोसेफ एस एस्पेडिन ने बनाया था ये, क्योंकि ये आपका पोर्ट मतलब एक्चुअल में एक आइलैंड था, मतलब उसमें मतलब पोर्टलैंड एक आइलैंड था, वहां पे लाइमस्टोन मिलता था। मतलब इंग्लैंड में एक आइलैंड था पोर्टलैंड, लाइमस्टोन मिलता था, सीमेंट उससे काफी मिलता जुलता, इसलिए इसका नाम रखा गया पोर्टलैंड सीमेंट, बिकॉज रिजेंबल विद नेचुरल लाइमस्टोन ऑफ पोर्टलैंड। मतलब पोर्टलैंड एक आइलैंड था, वहां का लाइमस्टोन से काफी मिलता जुलता, इसलिए इसको पोर्टलैंड सीमेंट या फिर सीमेंट इसका नाम दिया गया, ठीक है। तो अब देखो सीमेंट होता क्या है, सीमेंट में मेनली क्या क्या होता है। देखो तो सीमेंट के अंदर क्या होता है, लाइम होता है CaO, मतलब ट्यूब लाइम जिसको बोल सकते हो, लाइम होता है एज वेल एज क्ले, क्ले मतलब कि सिलिका, क्ले मीन्स सिलिका होता है With oxides of aluminium, iron and magnesium, ठीक है। थोड़े अमाउंट में उसके अंदर कैल्शियम आयरन एंड मैग्नीशियम, मतलब सॉरी एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम आयरन एंड मैग्नीशियम, ठीक है। एल्यूमिनियम आयरन और मैग्नीशियम के भी ऑक्साइड्स होते हैं। तो मेनली पोर्टलैंड सीमेंट्स में क्या क्या होता है, देखो कैल्शियम तो 50 to 60% होता है, मीन्स कैल्शियम जो होता है 50 to 60%। फिर सिलिका, सिलिका ज्यादा होता है कितना, 20 to 25%, ये दोनों ज्यादा होते हैं। बाकी एल्युमिनियम जो होता है वो 5 to 10% होता है, एल्मिना जिसको बोलते हैं एल्मिना। फिर मैग्नीशियम वाला 2 to 3% एंड आयरन 1 to 2% एंड साथ में सल्फर के भी ऑक्साइड होता है 1 to 2%। देखो गुड क्वालिटी ऑफ सीमेंट में क्या होता है, सिलिका से एल्मिनिया का रेशियो 2.5 से 4 के बीच में होता है, मतलब कि सिलिका मतलब ये SiO2 से एल्युमिनियम का रेशियो 2.5 to 4 के बीच में होता है। एक्चुअल में ये रेशियो याद करने की जरूरत नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए इसमें क्या क्या होता है। मेनली इसमें होता है लाइम, साथ में इसमें होता है क्ले मीन्स सिलिका प्लस ऑक्साइड्स ऑफ एल्युमिनियम आयरन एंड मैग्नीशियम, तो ये सीमेंट में अंदर होते हैं, ठीक है। लाइम ध्यान रखना, लाइम और सिलिका तो बहुत इंपॉर्टेंट, साथ में एल्युमिनियम एंड आयरन और मैग्नीशियम के क्या होते हैं और मतलब ऑक्साइड्स भी होते हैं। देखो इसमें है क्या, ये रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, ठीक है, जो लाइमस्टोन, तो लाइमस्टोन से बनता है, लाइमस्टोन एकदम नेचर में मिलता है, उससे आपका सीमेंट बनता है, ठीक है। सीमेंट एंड क्ले, व्हेन क्ले एंड लाइम आर स्ट्रॉन्गली हीटेड टुगेदर दे फ्यूज एंड रिएक्ट टू फॉर्म सीमेंट क्लिंकर, ठीक है। अगर आप क्ले और लाइम मतलब क्ले और लाइम को अगर आप एक साथ हीट करते हैं तो क्या होता है, बनाता है सीमेंट क्लिंकर, ये फॉर्म करता है। दिस क्लिंकर इज मिक्स्ड विद 2 to 3% बाय वेट ऑफ जिप्सम टू फॉर्म सीमेंट, ठीक है। जिप्सम के साथ इसको मिला के सीमेंट बनता है। लाइम स्टोन और क्ले को हीट करते हैं भाई, और फिर जो भी बनता है उसको हम लोग जिप्सम से हीट करते हैं, सीमेंट बन जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं, देखो भाई कैल्शियम और सिलिका, अरे ये मतलब 2 times CaO + SiO2, तो इससे बनेगा Ca2SiO4, ठीक है। तो ये बनेगा आपके पास 26% होता है। फिर बाकी आपके पास ट्राई कैल्शियम, मतलब ये तीन बार अगर ट्राई मतलब तीन बार कैल्शियम तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट 51% होता है, और आपका ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट 11%, ठीक है। तो ये इसमें कुछ मॉलिक्यूल होते हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं। अब सेटिंग ऑफ सिलिका मतलब सीमेंट तो पता ही होता है, सीमेंट काफी हार्ड हो जाता है व्हेन मिक्स्ड विद वाटर, ठीक है। सीमेंट मेक्स अ हार्ड, ठीक है, धीरे धीरे हार्ड हो जाता है। दिस इज ड्यू टू हाइड्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट और उसका रीअरेंजमेंट, तो वाटर में इसका रीअरेंजमेंट हो जाता है, धीरे धीरे हार्ड हो जाता है, ठीक है।
purpose of adding gypsum is to slow down the process of setting. ठीक है, नहीं मतलब धीरे धीरे वो hard होता है, इस वजह से हम लोग जिप्सम को डालते हैं, नहीं तो बहुत रैपिड हार्ड हो जाता है. ठीक है, जिससे आपको थोड़ा टाइम मिलता है मतलब उसको हार्डने होने में, और जिसको यूज करते हैं बिल्डिंग बनाने में. सीमेंट करंट टाइम पे आयरन और स्टील के बाद तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट मटेरियल है. इसका मतलब इसके बिना तो करंट में आप समझ लो कुछ मेजर नहीं कर सकते. ये वेरियस टाइम बिल्डिंग इसी से बनता है. हम लोग अब लास्ट में थोड़ा इसके बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस कर लेते हैं. मैग्नीशियम एंड कैल्शियम के बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस स्पेशली नीट के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है. जेई मेन और जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है. हमारी बॉडी में नियरली क्या होता है, 25 ग्राम मैग्नीशियम होता है, 1200 ग्राम कैल्शियम. कैल्शियम 1 kg से ज्यादा होता है. आपको पता होगा हमारे बॉडी में टीथ या फिर बोन मेनली कैल्शियम के बनते हैं, और कैल्शियम क्या कई बार डिफिशियंसी भी काफी लोगों को होता रहता है कैल्शियम बोन में, मतलब बोन में होता है और मिल्क में काफी ज्यादा पाया जाता है ये. तो कैल्शियम होता रहता है, मतलब कैल्शियम की डिफिशियंसी होने से कई बार स्किन में भी व्हाइट व्हाइट आने लगता है. तो बोलते हैं ना कैल्शियम की डिफिशियंसी को, और कैल्शियम के अलग से लोग क्या होता है कई बार आपके कैप्सूल से फिर टैबलेट भी खाते हैं. तो क्या होता है, ऑल एंजाइम्स दैट यूटिलाइज एटीपी इन फॉस्फेट ट्रांसफर रिक्वायर्ड मैग्नीशियम इज कोफैक्टर. आप इसको पढ़ सकते हो, आप इसको रीडिंग कर लो खुद से. क्या लिखा, क्लोरोफिल. क्लोरोफिल में ध्यान रखना कि मैग्नीशियम होता है. ये सब बातें पूछी जाती है, सब इंपॉर्टेंट है, सब कुछ पूछा जाता है. क्लोरोफिल में मेनली मैग्नीशियम होता है. वो बॉडी में जो कैल्शियम जो होता है 99% जैसे मैंने बताया कहाँ प्रेजेंट होता है, बोन में और टीथ में. ठीक है, जो हमारी बॉडी में कैल्शियम है तो उसका 99% यहीं पे प्रेजेंट होता है. और इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, न्यूरोमस्कुलर फंक्शन होता है. ठीक है, और आपका ब्लड कोएगुलेशन में यूज होता है, ब्लड कोएगुलेशन में यूज होता है. ठीक है, प्लाज्मा में इसको मतलब मेंटेन करने के लिए यूज होता है. इट मेंटेन बाय टू हार्मोन, मेनली दो हार्मोन मेंटेन होता है. कौन सा, कैल्सी मतलब कैल्सी टोनिन एंड पैराथायराइड. ठीक है, हार्मोन. ठीक है, और बोन जो होता है वो नियरली इनर्ट होता है, और आपका नॉर्मली वो लोग ज्यादा चेंजेस होते नहीं. ठीक है, तो ये हमारा हो गया एस ब्लॉक चैप्टर. हम लोगों का एस ब्लॉक चैप्टर अब खत्म हो गया. बाकी कुछ अलग से रिएक्शन हीटिंग इफेक्ट एंड आपका रिएक्शन बिटवीन द ऑक्साइड्स, वो मैं अलग से डिस्कस करूंगा आपको. उस पर मैं अलग से एक लेक्चर बनाऊंगा जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में.